काफ़ी ऐतिहासिक दिन ना कि सिर्फ बीजेपी एनडी के लिए पर पूरे देश के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शपथ ग्रहण किया और उसके बाद आज वो प्राइम मिनिस्टर भी बने। और हमसे ज़्यादा बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुकांतु मजुमदार है। सर पहले तो बधाई हो, आपको MOS मिला है। सर कैसा फील कर रहे हैं? आपने भी ओथ लिया, प्रधानमंत्री ने भी कल थर्ड टाइम ओथ लिया और पहले प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू के बाद, तो ये अवसर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जैसे आपने बताया कि 1962 के बाद ये ऐसा अवसर बना है कि जिसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है, और नरेंद्र मोदी जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसकी जनता ने उन्हें आशीर्वाद किया। और ये ऐतिहासिक इवेंट है और हम लोग लकी रहे कि उनके साथ बैठ के देखने का मौका मिला, ये सबसे बड़ी बात है। तो बाकी तो आप जानते हैं कि सरकार तीसरी बार की सरकार है, पहले बार से ही मोदी जी ने जो डेवलपमेंट के काम शुरू किए, जो विकास के काम शुरू किए हैं, वो मोदी जी आगे लेके जाएंगे, देश को अव्वल बनाएंगे। जैसे हमारा जो लक्ष्य है कि विकसित भारत बनेगा। और अभी आपने मोदी जी का बात किया, अगर हम आपके बात करें, आप स्टेट प्रेसिडेंट है और अभी आपको MOS भी मिला है, तो वो उस अवसर को या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब हम तो पार्टी के कार्यकर्ता है, जब पार्टी ने जो दायित्व दिया उसको पालन किया। कभी सिर्फ MP का दायित्व था तो कभी स्टेट के इंचार्ज बनाए गए, कभी स्टेट प्रेसिडेंट बनाए गए यानी अध्यक्ष बनाए गए, अभी मंत्री का भी दायित्व साथ में दिया। तो पार्टी जो भी दायित्व देते हैं, एज ए पार्टी का सोल्जर, एज पार्टी के सैनिक के रूप में काम करना, वो हमारी काम दायित्व है, तो वो करते हैं। मोदी जी के दिखाए हुए राह पे चलना है। और अगर मेरा आखिरी क्वेश्चन यही रहेगा कि सर, बीजेपी ने केरला में इतिहास रच दिया, त्रिपुरा में, उड़ीसा में ने भी बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, अगर हम बंगाल की बात करें तो बीजेपी के हिसाब से क्या सही रहा या क्या गलत रहा कि उनको 12 सीट मिला और TMC को 29 सीट मिला? देखिए, कहीं पे तो चूक हुई है, वो हम विश्लेषण करेंगे, बाद में सोचेंगे और मंथन होगी, मंथन के बाद पता चलेगा। अभी मुझे लगता है कैमरे के सामने इस विषय में तो ना बोलते हैं, ना बोला ठीक भी है, और ये टू अर्ली है, इतने जल्दी बोलना भी नहीं चाहिए, एनालिसिस करके फिर बोलना चाहिए। अच्छा, ये भी बात हुआ था कि पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है, फिर रिगिंग हुआ है, टैम्परिंग हुआ है, ये सब हुआ है क्योंकि वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा था। बीजेपी ने भी बोला है ये कि काफ़ी टैम्परिंग हुआ है, लोगों को धमकाया भी गया है, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ये तो होता है, बंगाल की इलेक्शन का ये पार्ट एंड पार्सल है, तो हमको ऐसे ही लड़के जीतना है, वो तो पता ही चाहे, तो थोड़ा बहुत होता है बंगाल में, कुछ जगह पे आप कुछ सीटें जैसे डायमंड हार्बर वगैरह वगैरह जिसमें 2-3 लाख वोट तो ऐसे ही फेक वोटिंग होता है, तो उसको होता है, बंगाल की ये राजनीति हो गई है, तो इलेक्शन कमीशन को भी अलग से सोचना पड़ेगा बंगाल के लिए, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन के नाम पे एक्चुअली धांधली होती है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुकांतु मजुमदार। तो ये थे डॉक्टर सुकांतु मजुमदार, जिन्होंने मोदी 3.2 NDA गवर्नमेंट के बारे में बताया और उनको जो MOS मिला उनके बारे में बताया। मैं ब्रायन अदी थॉमस, कैमरा पर्सन पवन के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स YouTube चैनल, हिट द बेल आइकन।